देखा जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो एक उन्होंने शेड्यूल जारी करना है मंडे को, वो प्रेजिडेंट पाकिस्तान से मशावरत हो गई, उन्होंने 30 अप्रैल की डेट मुकर्र कर दी पंजाब असम्बली की। तो ये सारा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हदायत के रोशनी में हुआ है ना। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये कहा है प्रेजिडेंट पाकिस्तान से मशावरत करके तारीख मुकर्र की है, तो इलेक्शन कमीशन ने तारीख मुकर्र के लिए सदर को खत लिख दिया। सदर ने 30 अप्रैल की डेट फिक्स कर दी। अब इसकी जहां तक हमें इतला मिल रही है वो यह है कि बाकायदा मंडे को इसका शेड्यूल जारी होने की तवक्कु है। शेड्यूल जारी होने के बाद पूरा इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब इसमें दरमियान में जो बातें आ रही है कि जी इलेक्शन नहीं होना या कौन है, ये तो शुरू से ही जब से पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी होता है, ख्वाब भी इलेक्शन 97 में हो रहे हों या 2002 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में, तो आखिरी लम्हे तक यही बातें सुनने में आ रही थी कि इलेक्शन नहीं होने, कोई ना कोई पोस्ट हो जाएंगे, डेफर हो जाएंगे, सब बातें गलत साबित हुई। अब भी ये तमाम बातें गलत साबित हो जाएगी, इलेक्शन जो है 30 अप्रैल को हो जाने हैं। बाकी रह गया कि जिनको फंड नहीं मिल रहे या नॉन की सूरत हाल है, जो इलेक्शन कमीशन के पास पाकिस्तान के पास आर्टिकल 220 के तहत मुकम्मल इख्तियार हैं, जो ही इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा तमाम पाकिस्तान के वफाकी सूबाई इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ताबे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये तो देखें इलेक्शन तो बिल्कुल होने, ये जो बात की जा रही है कि दो के बजाय पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री इलेक्शन हो, खान साहब ये मुतालबा करें, तो ये किस हद तक काबिल कबूल होगा दीगर सियासी जमातों के लिए और इस वक्त पूरे निज़ाम के लिए? आपकी जहाँ तक की आवाज़ सुनने में आ रही है तो यही है कि जनाब ये सारी सूरत हाल जो है ना, ये सारे मफरूज़ हैं, इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे, कोई फंडिंग की कमी नहीं है, ना ही लॉ ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो भी मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन के डिस्पोजल भी हो जाएगा, रेंजर भी आ जाएगी, पुलिस भी हो जाएगी, हंगामे हालात में अफवाज पाकिस्तान की मदद मिल जाएगी, ये सारे मामलात तय हो जाएंगे, महज मफरूजे चल रहे हैं जी। ठीक है, चले मफरूजों को डायरेक्ट डिस्करेज करना चाहिए, क्लैरिटी।